हैदराबाद में लीड प्रोजेक्ट को एज ए टीम लीड कर रहा हूँ और मैं एक केस स्टोरी साझा करने वाला हूँ आप लोग के साथ जो मोहम्मद अकरम का है। हम लोग का कार्य प्रणाली जैसा है कि हम लोग सर्वप्रथम स्क्रीनिंग करते हैं घर सबके घर घर जाकर, और इसी दौरान हमें अकरम की मम्मी से मुलाकात हुई जो वो एक ऐसे पॉश एरिया या स्लम एरिया बोल सकते हैं हम लोग जहाँ अर्बन स्लम में रहती हैं, जहाँ पर ज़्यादातर क्रैप का काम है और ई वेस्ट का ज़्यादातर वर्क है। और अकरम भी था जो कि वेल्डिंग का काम उम्र 14 से करता हुआ आ रहा था, और जब वो कार्य कर रहा था उसके धुएं से और उसके लंग्स में पहुंचता था, फिर उनको ये टीवी इन्फेक्शन का कुछ मालूम नहीं था, कोई जानकारी नहीं था। सडनली एक दिन उसको कफिंग आया और चेस्ट पेन हुआ और बहुत कमज़ोर सा दिखने लगा, तो वो जाँच कराने की प्रक्रिया शुरू किया, और जब वो प्रक्रिया शुरू किया तो वो टीवी पेशेंट पाया गया। फिर जब उन्होंने जब दवाई लेना शुरू किया तो उनको उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट होने के कारण कभी बलगम में खून आ जाना, चक्कर आ जाना, अनकॉन्शियस होकर गिर जाना, ये सब उनमें कठिनाइयाँ दिखने लगी, तो वो दवाई छोड़ दिया। जब दवाई छोड़ा तो कभी उनको फिर से वो सभी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा था, बट फिर उसने कभी प्राइवेट से, कभी लोकल, कभी इनफॉर्मल हेल्थ केयर से दवाई लेके अपना एंटीबायोटिक लेके क्योर करने की कोशिश करा, बट नहीं हो पाया। फिर बीच में उन्होंने दवाई छोड़ दिया। फिर इसी दौरान जब वो बहुत ही कमज़ोर होकर उठने के कगार पे भी नहीं था, मतलब पैदल चलने की क्षमता भी नहीं थी उनके अंदर, तो हमारे CFO घर घर जाकर जब स्क्रीनिंग कर रही थी तब तो उनकी मम्मी ने ये हमारे बात को सुना कि हम लोग इन इन पेशेंट को ढूंढ रहे हैं जिनका आपका नाइट में स्वेटिंग आना, फीवर होना, चेस्ट पेन होना, कफिंग होना, नाइट में आपको ज्वर होना, बुखार होना, इन सब बीमारी वाले लोगों को या ऐसे कंडीशन वाले लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने अकरम के बारे में हमारे साथ साझा किया, तो वहाँ की जो सिटी फील्ड ऑफिसर है वो अकरम से मिली, अकरम को देखी तो बहुत भयभीत रह गई क्योंकि वो कंडीशन देखने योग्य नहीं था कि वो पैरों में जान नहीं है और एक पोजीशन में लेटा हुआ है, बात करने की क्षमता नहीं है। फिर उस समय हमारे CFO ने उसका सपोर्ट करने की सोचा और उस समय से उनका स्क्रीनिंग करने के बाद उनका टेस्टिंग कराया, स्पूटम टेस्टिंग कराया, फिर एक्सरे के लिए देखे गए, फिर वहाँ पाया गया कि वो TB पेशेंट अब भी है। फिर उनका दवाई शुरू कराया गया। दवाई शुरू कराने के बाद वो अपने आप को रिकवर करना स्लोली स्लोली शुरू किया। जब ये प्रक्रिया समाप्त हो गई तो इसी दौरान हमारे CFO ने क्लोज़ कॉन्टैक्ट जो भी घर के मेंबर्स हैं, उसके फ्रेंड सर्कल्स हैं, इनको भी उन्होंने चाहा कि जब ये बंदा के पास ऐसा लक्षण हो सकता है इनके घर में भी किसी के पास लक्षण, तो उन्होंने क्लोज़ कॉन्टैक्ट किया। परिवार में 4 सदस्य थे, माँ, पापा, एक भाई और खुद, तो इन चारों का हम लोगों ने क्लोज़ कॉन्टैक्ट करने के बाद इनको भी टेस्टिंग कराया, जिनमें से इनकी माँ भी TB पेशेंट निकली। माँ को TB पेशेंट मालूम हुआ तो थोड़ा सा वो लोग सॉफ्ट रह गए, फिर भी हम लोगों ने काउंसलिंग किया, डे टू डे रेगुलर फॉलोअप किया कि वो फिर से ये कोई स्टेप ना ले ले कि वो दवाई छोड़ दें या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो दवाई स्किप कर दें, यानी तो कोई ऐसा स्टेप ना ले ले। तो हमारे डेली बेस 14 डेज हमारे FO जो हमारा कार्य प्रणाली में है कि डेली 14 डेज फॉलोअप करना ही है पॉजिटिव पेशेंट को, और फिर वीकली वंस भी जा जा के हम उनसे मिलते हैं, बट नीड पड़ने पर हम लोग 1 मंथ भी उनको फॉलोअप करते हैं। तो उनकी मम्मी को भी हम लोगों ने दवाई के प्रक्रिया में लाया, उनका भी चालू कराया। फिर पापा और उनका भाई नेगेटिव आए तो उनको हम लोगों ने TPT जो दवाई होता है वो शुरू करवाया, ताकि ये लक्षण अगर उनमें उभरे तो उनका समाप्त हो सके और क्योर हो सके। ये सब करने के बाद जब हम लोगों ने उस पेशेंट की सारी कठिनाइयाँ सुनी, दिक्कतें सुनी, जानने की कोशिश किया कि ऐसा क्या कंडीशन आ गया जो आप दवाई छोड़ दिए, फिर वो जो मैं शुरुआत में बताया कि साइड इफ़ेक्ट होने के कारण वो दवाई को स्किप की, बट जब हम ये दवाई फिर से शुरू किया तो फिर भी वो लक्षण आए उनमें, थोड़ा सा कफ में ब्लीडिंग आना, चेस्ट पेन और बुखार बड़ी तेज़ का आना, और जांघ में, पैर में, कहीं पर भी, मतलब इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो गया था उसका। तो वो
दवाई ना छोड़ दे तो हमारे उनको रेगुलर फॉलोअप करके दवाई कंटिन्यू, अभी शायद वो 6 मंथ कंप्लीट करने वाले हैं। और वो कंप्लीट करने पर मैं जब पहले स्थिति में उनसे मिला था एज ए टीम लीडर, जब मैं सुपरवाइज़ किया उसको मेरे सुपरवाइज़र के साथ, तो मैं जो उस स्थिति में उस अकरम को देखा था और जब भी अब की स्थिति है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो बोलता है सर मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ मेरे ख्याल से इस टीवी प्रोग्राम जो लीड प्रोग्राम है इनके कारण, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं जिस स्थिति में था वहाँ से उभर के बच पाऊँगा कि भी नहीं। तो ये सब चीज़ें हुई, मम्मी का भी कुछ सिम्टम ऐसे ही दिख रहा था तो मम्मी को भी दवाई शुरू किया, तो मम्मी भी ठीक है और रेगुलर फॉलोअप हो रहा है दोनों का। तो यहाँ से मैं चार जो प्रणाली बोल सकते हैं कि पहले वो लॉस टू फॉलोअप हुआ, उसको हम लोग दोबारा मेन स्ट्रीम में लाए, उनको दोबारा से लिंक से किए दवाई ढूंढा। और दूसरा पद्धति था हमारा फॉलोअप करना भी एक मतलब कठिनाइयाँ हैं, बट अगर फॉलोअप नहीं करेंगे तो पेशेंट ड्रॉप आउट होते हैं और क्योर सही से क्योर नहीं हो पाते हैं, तो वो आदर्श को भी वो लक्षण देने की क्षमता रखते हैं और फैलता भी, क्योंकि ये पल्मोनरी केस है। और जब वो कफिंग करते हैं कहीं बलगम फेंकते हैं तो ये हम जैसे हम लोग जानते हैं कि हवा की प्रक्रिया से ज़्यादा ही फैलती है बीमारी। तो हम लोगों ने उनको बताया कि साफ सफाई भी जरूरी है, न्यूट्रिशन फूड से भी उन लोगों को सपोर्ट किया। जब उनको DBT जो हम लोग एक बैंक ट्रांसफ़र होता है मनी, उनके लिए हम लोग जब बात की तो उनके पास बैंक अकाउंट नहीं था, सबसे बड़ा कारण। तो हम लोगों ने उनका जो मम्मी और अकरम का दोनों का बैंक अकाउंट खुलाया, और बैंक अकाउंट खुलवाने के साथ साथ उनका 2 लाख का इंश्योरेंस जो होता है बैंक में वो भी कराया उनको, ताकि अगर कुछ ऐसा भी होता है तो वो कम से कम उनको मिल सके। तो लॉस टू फॉलो अप, आपका फिर से मेडिसिन के मिनिस्ट्री में लाना, काउंसलिंग हो गया जो क्लोजिंग काउंसलिंग जिसको बोल सकते हैं हमारे एफओज के द्वारा, कभी सुपरवाइजर्स जाते हैं हमारे, इवन जो जहांगीर सर हैं हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, वो भी आके उनसे रूबरू हुए, मिले, बातचीत किए, और उन्होंने भी जाना कि ऐसी स्थिति हर पेशेंट के साथ आता है जहाँ पर उनको फिजिकली मेंटली हम लोग सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे जो स्टिग्मा बोलते हैं हम लोग, वो उनसे जूझते हैं, क्योंकि आजू बाजू वाले क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं वो एक अलग माइंड सेटअप हो जाता है। बट जब हम लोग डेली बेस उनको फॉलोअप करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें को नेगलेक्ट करके वो दवाई पे ध्यान देते हैं, अपना हेल्थ पे ध्यान देते हैं, हेल्थ एंड हाइजीनिंग पे ध्यान देते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ जब हम लोगों ने इसको TU के साथ जोड़ा, तो वहाँ से जो TB यूनिट्स हैं हमारे NTP सेल्स, उनके साथ जोड़ के उनको नीचे पोषण योजना में भी हम लोग जोड़े। फिर वहाँ से न्यूट्रिशन जो फूड्स होता है जो मंथली 6 मंथ तक हम लोग पैकेट दिलवाते, तो वहाँ से वो भी चालू है। तो भी उस पेशेंट का मोस्टली चीज़ अच्छे से चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, और ये ह्यूमाना का ही देन है कि उस लेवल पे जाके उनको ला के होमलेस, माइग्रेन, हार्ड टू रीच पीपल, स्लम पीपल, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो रेड पिकर्स हैं उनको हम लोग बात करें, रेगुलर उनके घर को जाएं, बट हम लोग की कार्य क्षमता या कार्य प्रणाली ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग उनको भी नहीं छोड़ते हैं जो नीचे तबके के लोग हैं या गरीब हैं, यानी तो कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो कि उनको कोई देखना या हेट करते हैं। मानव से मानव तक, माना पीपल टू पीपल इंडिया, हम लोग पीपल टू पीपल, मानव से मानव तक जाने की हमेशा कोशिश करते हैं, और ये कोशिश अभी भी जारी रहेगा। और हम लोग ने भी ठाना है कि जैसा हमारे सरकार बोल रहे हैं कि TB हारेगा देश जीतेगा, उसके लिए हम लोग भी तत्पर हैं और हम लोग भी इनके लिए काम करेंगे, ज़रूर हम TB को एंड करते हैं। थैंक यू। कुछ पूछना था मुझे, आप लोग स्क्रीनिंग करते हैं जी, स्क्रीनिंग किस तरह करते हैं, उनसे सिम्टम्स पूछते हैं या क्या, स्क्रीनिंग किस तरह करते हैं आप लोग? सबसे पहले तो वो जो एरिया है उसको हम लोग सेलेक्ट किए, उस एरिया में कितने घर हैं उनको जाने, और एक एक घर को जाके डोर टू डोर सर्वे करते हैं। फॉर्मेट होता है हमारा, फॉर्मेट्स में हम उनका नाम मेंटेन करते हैं, अगर उनमें कोई सिम्टम्स है, जो सिम्टम्स हम उनसे पूछते हैं वो कुछ मिला तो टिक करके लाते हैं, कुछ कोडिंग है हमारे पास, अगर वो उस सिम्टम्स में आते हैं तो हम उनको एज अ सिम्टमिक केस या प्रेजेंटिव केस आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उनको हम टेस्टिंग के लिए पुश करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं, बट क्या होता है कि जब हमारी टीम पहुंचती है तो काउंसलिंग करके उनका टेस्टिंग
फर्स्ट ऑफ स्पूटम देन एक्सरे, ये दो टेस्टिंग से जोड़ते हैं। अच्छा, तो स्पूटम स्पूटम टेस्टिंग कैसे, माइक्रोस्कोपी से होती है? नहीं, पहले था हमारे पास, जब मैं अगस्त में हैदराबाद गया, सितंबर तक वहाँ पर माइक्रोस्कोपी था, बट अभी वहाँ सीबी नॉट है, माइक्रोस्कोपी नहीं हो रहा। अच्छा, तो सीबी नॉट आप जीन एक्सपर्ट से? हाँ जी, जीन एक्सपर्ट से। आपको ये मरीज कब, आप कब इनके कॉन्टेक्ट में आए अक्रम के? ये हम लोग 4 नवम्बर को आए और 7 नवम्बर को पॉजिटिव निकले। अच्छा, 7 नवम्बर को। अच्छा, तो वो जीन एक्सपर्ट से आपने उनका टेस्ट किया स्पूटम, और फिर एक्सरे भी करते हैं? एक्सरे में भी पॉजिटिव थे। अच्छा, तो एक्सरे सेकंड फिर एक्सरे करते, मतलब ये आपका रूटीन है? हाँ, एक्सरे एबनॉर्मल था उसके पहले। अच्छा, उनकी मदर में कोई उस तरह का सिम्टम नहीं निकला था जब आपने फॉर्म भरवाया होगा? तो माँ में उन्होंने ऐसा नहीं कुछ कंप्लेन उनके में नहीं आया होगा ना सिम्टम जब उनका टेस्ट नहीं कराया होगा? अक्रम जब पॉजिटिव आया ना, तो हम लोग का एक और क्या बोले स्ट्रेटेजी है कि हम लोग क्लोज कांटेक्ट करते हैं। हाँ, तो उस क्लोज कांटेक्ट में उसकी मम्मी आई। नहीं, पर पहले जैसे आप घर घर जाते हैं, मैं सिर्फ अपनी जानकारी के लिए जानना चाहती हूँ कि आप किसी के घर गए, आपने स्क्रीनिंग कराना, तो वहाँ जितने मेंबर्स हैं उनसे आप फॉर्म भरवाते हैं? जी, जी, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। तो उनकी माँ ने अगर भरा था फॉर्म, तो इसका मतलब है उनको सिम्टम नहीं रहा होगा कोई ना टीबी का? असिम्प्टोमेटिक थी वो, तो आपने जब टेस्ट कराया तब तब पता चला। अच्छा, उसके पहले अक्रम जब आपसे मिले हैं, ये नवम्बर में आपसे मिले ना, नवम्बर 4 ठीक है, तो उसके पहले वो क्या किस तरह का इलाज करा चुके थे? और एक बात ये भी बताइए, कौन सा एरिया था वो? हाँ, ये किस एरिया? वो हैदराबाद का मुसीराबाद एक एरिया है। हाँ, वहाँ का है। अच्छा, और ये अपना कोई किराए के मकान में रहते हैं या किस तरह से? नहीं, उनका अपना घर है, लेकिन उनका अपना घर बहुत कंजेस्टेड कंजेस्टेड एरिया है। जी, बता सकते हैं कि 10x20 का एरिया क्रेन में उनका घर है, और ऊपर छत भी नहीं है, मतलब उसके पहले वो क्या करा था? मतलब उन्होंने कुछ बताया होगा कि आप कह रहे कि उनको पहले भी उन्होंने दवा करी और फिर छोड़ दी, ड्रॉप आउट थी, तो इसका मतलब है उन्होंने टीबी का कुछ टेस्ट कराया होगा पहले, और क्योंकि उनको साइड इफेक्ट हो रहे थे तो उन्होंने छोड़ दी, साइड इफेक्ट हो रहा था इसलिए छोड़ दिया। और इसके बाद फिर वो जो वेल्डिंग वर्क करते थे वो, तो वेल्डिंग वर्क से वो बता रहे हैं कि वहाँ से वो इफेक्टेड हुए, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ पर वो वेल्डिंग वर्क कर रहे थे वहाँ के लोग को भी जो कंपाउंड में वर्क कर रहे हैं वहाँ के करें, बट अभी कुछ ऑनर से वो कह रहे हैं कि नहीं आप लोग आओगे तो वही स्टिग्मा की बात करें कि आप आओगे तो पता नहीं फिर मेरे वर्कर्स नहीं रहेंगे, छोड़ देंगे, तो हम लोग अभी भी काउंसलिंग में लगे हुए हैं, तो कोशिश है कि उस एरिया को भी हम लोग, मतलब उस कंपनी को भी हम लोग करें। अच्छा, और क्या ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट भी होता है? मान लीजिए जैसे आपने जीन एक्सपर्ट्स उसी भी नाट से उनका टेस्ट हुआ, तो उसमें ये भी क्या निकला कि वो कोई दवा से रेजिस्टेंट है, कि रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट है कि नहीं, वो आया होगा उसमें कि नहीं आता है? नहीं, वो तो नेगेटिव आया उसमें नेगेटिव। अच्छा अच्छा, तो अच्छा अब उनका इलाज कंप्लीट होने वाला है? जी, कंप्लीट नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में खत्म हो जाएगा। तो आपके यहाँ क्या सिस्टम है, जैसे इलाज हो गया 6 महीने कंप्लीट, इसके बाद फिर कोई टेस्टिंग होती है? जी, होगा, वो लास्ट टेस्टिंग होगा। हाँ, फिर से हम लोग करेंगे पीयू के साथ मिलके। हाँ, फिर वहाँ अगर वो, क्योंकि अभी भी कई पेशेंट हैं हमारे पास जो कि कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, बट एज पर द सिचुएशन और टेस्टिंग वो लोग 1 वीक 2 वीक्स 1 मंथ के लिए दवाई और करते हैं। हाँ, तो अभी अक्रम का 6 मंथ कंप्लीट होगा, तो फिर से हमारा एक लास्ट टेस्टिंग होगा, वो भी एक्सरे हम लोग कोशिश करें करवाएं, स्पूटम भी कराएं, अगर वो क्योर दिखते हैं अगर तो उनको नेगेटिव आ गए तो उनको क्योर के रूप में हम लोग रखेंगे। अच्छा जी, अच्छा। एक बात और क्वेश्चन थी, उनकी माँ का भी इलाज चल रहा है, कब से तक शुरू? उनको हम लोग शायद नवंबर लास्ट से करें। अच्छा, तो 7 नवंबर में अक्रम कंफर्म हुआ, तो उसके प्रक्रिया करने के बाद हम लोग उनकी माँ का क्लोज कांटेक्ट करके शुरू कर। अच्छा, और जो टीपी की आपने फादर और उसके भाई की, वो कौन सी दवा दी है, वो कितने महीने की चलने की है? वो शायद 2 और 3 मंथ्स की होती है। टीपीटी का एक कोर्स होता है कि जिसको केसेस या ऐसा कुछ सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, बट पॉजिटिव के घर में उनके मेंबर्स या क्लोज कॉन्टेक्ट है, तो उनको टीपीटी दिया जाए। जी, वो 3 महीने तक जी ऐसा ही। अच्छा, ऐसे ठीक, थैंक यू। किसी भी ऐसे लोगों से ऐसी प्रतिक्रिया ना दें कि
वो वैसा है, उनमें ये बीमारी हो सकती है, जब तक जाने नहीं तब तक किसी को भी हम लोग ब्लेम नहीं करें, उनसे हेट नहीं करें, उनका सहायता करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ये जब दवाई शुरू होता है तो वो फैलने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, कम हो जाती है। सो ऐसे लोगों का सहायता करें, क्योंकि होमलेस लोग शायद होमलेस खुद के कारण से नहीं बनते हैं, और कोई माइग्रेंट होता है तो वो कोई उनके घर में या उनका कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि परिवार के लिए दौड़ते हैं वो, और माइग्रेंट होते हैं कुछ कुछ कमाने के लिए, और ऐसी जब बीमारियों से जूझते हैं तो हमारी मानसिक और आर्थिक सहायता या शारीरिक सहायता उनको ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ मेरा यही संदेश है कि आप ऐसे लोगों का सपोर्ट करें, ना कि हेट करें।